देखिए, आज से हम जो चीज करने जा रहे हैं दैट इज दी रिसर्च। रिसर्च, ठीक है? रिसर्च। पहले तो अपने माइंड में एक चीज रखनी है, हमारे ब्रह्मांड में आप कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज खोजेंगे। जिस दिन आपने कुछ अलग चीज खोजी जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, आप उसे कहेंगे कि आपने सर्च करी है। क्या करी है? सर्च करी है। लेकिन रिसर्च का मतलब होता है री, मतलब वंस अगेन, वंस अगेन, ठीक है? और सर्च में मतलब टू सर्च फॉर समथिंग, टू सर्च, ठीक है? टू सर्च फॉर समथिंग, एक बार फिर से सर्च करना किसी चीज के लिए। इसका मतलब है कि हमने कहा एक बार फिर से रिसर्च करनी है, इसका मतलब पहले रिसर्च हुई है। इसका क्या मतलब है? पहले रिसर्च हुई है, हम दोबारा से रिसर्च कर रहे हैं, हम दोबारा से उन्हीं को ही देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम रिसर्च तभी करते हैं व्हेन थिंग्स, फैक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एविडेंस, जो क्या कर रहे हैं पहले से ही, क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप उन्हें नहीं ढूंढते हैं, आप पहले से उनको नहीं ढूंढते कि अभी मैं नई चीज खोजूंगी। नहीं, जो चीज पहले से ही यूनिवर्स में मौजूद है, आप सिर्फ उसी को ही ढूंढते हैं। अगर कोई चीज यूनिवर्स में नहीं होगी, जैसे कि मैंने कोई नया कीड़ा निकाला है ना, जैसे आपने देखा होगा कि इसकी खोज हुई है, उसकी खोज हुई है, तो उसकी रिसर्च हुई है, उसकी सर्च नहीं हुई है, वो खोज हुई है। इसका मतलब दुनिया में थी ना वो पहले से, बस आपने उसे कभी देखा नहीं था, ठीक है? जब आप उसे देख लेते हैं तो वो निकली तो दुनिया से ही है, तो आप उसे कहेंगे उन्होंने नई चीज रिसर्च करी है। ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते उन्होंने नई चीज सर्च करी है, नहीं, उन्होंने नई चीज रिसर्च करी है। इसका मतलब है कि वो दुनिया में पहले से ही है, बस आप उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देके उसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉल्ट में पाए जाते हैं, अब वो पहले से ही सॉल्ट में पाए जाते हैं ना, वो हमें पता है, लेकिन किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की है। अब कोई चला जाता है पर्सन, अगर मैं चली जाती हूँ सॉल्ट वाटर में और उन बैक्टीरिया को निकाल लूँ, तो मैंने क्या की? रिसर्च की, क्योंकि वो पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस मैं क्या कर रही हूँ, उनको उस चीज से खोज रही हूँ, दुनिया के सामने लेकर आ रही हूँ, और उससे रिलेटेड फैक्ट्स दुनिया को बता रही हूँ जो पहले से दुनिया को पता नहीं है। इसे हम कहते हैं रिसर्च करना, मतलब जो चीज पहले से ही एग्जिस्टिंग है दुनिया में, उसके बारे में क्या करना, एविडेंस इकट्ठे करना, फैक्ट्स इकट्ठे करना और लोगों को अवेयर करना, दैट इज रिसर्च, ठीक है? बच्चे, क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये चीज समझ आ रही है? यस मैम, ओके, तो यस मैम। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है सर्च और रिसर्च में। सर्च मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि होता क्या है। रिसर्च का मतलब है यू हैव सम आइडिया कि आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, बस आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं रिसर्च। आप बोलते हैं ना, तरह इसके ऊपर रिसर्च करो, मतलब आपको पता है, आपको आइडिया होता है कि कुछ तो ऐसा होता है, तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, तो आप क्या कहते हैं, जरा सर्च करो। क्या करो? सर्च करो, ठीक है जी? तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को जब आप दोबारा से ढूंढते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बच्चे एक चीज याद रखना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो। दुनिया में सर्च नाम की वैसे चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। किस नाम की चीज एग्जिस्ट करती है? रिसर्च की। क्योंकि ब्रह्मांड तुम कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते, ब्रह्मांड में जो चीज मौजूद नहीं है तुम उसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। तुम चांद के बारे में सोच सकते हो क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। तुम चांद के जो बीच में क्रेटर्स, क्रेटर्स का मतलब ऐसे खाली ढब्बे ढब्बे पड़े हैं ना चांद के ऊपर, उनको क्रेटर्स कहते हैं। तुम बोलो मैंने क्रेटर्स ढूंढने हैं, तो तुम्हें पता है क्योंकि वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए तुम उसे ढूंढ पाते हो। तुम ऐसी कोई चीज नहीं ढूंढ सकते, कभी भी नहीं ढूंढ सकते आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जो ब्रह्मांड में पहले से ना हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम कहते हैं ना, हमारा माइंड क्या है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसीलिए तुम सिर्फ उन्हीं चीजों को ढूंढ सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है जी? चलिए, सो दिस वॉज दी ऑल अबाउट रिसर्च। अगर तुम्हें डेफिनेशन पूछ लेंगे तो रिसर्च क्या है, इट इज दी सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब आपने जो फैक्ट्स एविडेंसेस निकालने हैं उसको स्टेप वाइज स्टेप निकालना है, तो इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। कैसी है? सिस्टमैटिक,
स्टडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक प्रोसेस? जिसमें क्या मौजूद हो? फैक्ट्स मौजूद हो, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा कि रिसर्च क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तो इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड अ सिस्टमैटिक स्टडी है। किसकी? ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। सिस्टमैटिक का मतलब होता है स्टेप वाइज स्टेप, स्टेप वाइज स्टेप। और साइंटिफिक का मतलब होता है थ्रू थ्रू एविडेंसेस, थ्रू रीजनिंग, थ्रू नॉलेज, थ्रू नॉलेज। ठीक है, तो इसीलिए रिसर्च को इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताया गया है। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट वी गोना डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। कि जब भी आप कोई रिसर्च करेंगे, तो आपको पता है रिसर्च मतलब आपके पास पहले से थोड़ा सा नॉलेज होगा कि वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। अब आप क्या करोगे? उसको ढूंढोगे, तो ये उसको करेंगे ना रिसर्च। रिसर्च करने के लिए ऐसा तो नहीं आपका दिमाग पूरी तरह खाली है और आप रिसर्च करने चले गए। नहीं, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे रिसर्च करनी है, तो मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पहले से पता होगा, तो ही मैं रिसर्च कर पाऊंगी, तो ही मैं लेडीज के पास जाके उनके प्रॉब्लम्स का पूछ पाऊंगी। इसका मतलब है कि जब भी मुझे रिसर्च करनी है, तो मेरे पास पहले क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, तो ही जाके मैं रिसर्च कर पाऊंगी। तो हम देखते हैं कि ये जो रिसर्च करने से पहले हमारे मस्तिष्क में जो नॉलेज रहता है, वो हमारे पास कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है जी, तो लिख लीजिए मेथड्स, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है जी, देखिए एक होता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज और एक होता है स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है, वो आपको कहीं से भी मिल सकता है, कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो सच है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नॉलेज। वन इज द अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज। अब पेपर में आपसे ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज एंड स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। ठीक है जी, अब देखिए आपको क्या लगता है आपको कहाँ कहाँ से नॉलेज मिल सकता है किसी चीज के बारे में? अगर मैं कहूँ आपने कल को जाना है लेडीज के पास और आपने पूछना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब किसी लेडी को आता है तो व्हाट इज द लेवल ऑफ पेन, है ना? या फिर आपने पूछना है कि पेन का जो है क्या सिस्टम रहता है, पहले 2 दिन ज्यादा होती है, बीच में ज्यादा होती है, बाद में ज्यादा होती है, क्या है ये सिम्टम्स हैं हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है मैंने ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि आजकल में ये केस चल रहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी किसी पर्सन को होता है तो उसको कम से कम छुट्टी देना तो बनता है, 1 या 2 दिन की छुट्टी। क्यों? क्योंकि जो लेडीज हैं वो क्या नहीं कर पाती है, उस क्रैम्प्स की पेन को सहन नहीं कर पाती है, तो वो अपना वर्क भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाती है। तो जो वर्किंग लेडी हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उनको क्या देनी चाहिए? वेकेशन होनी चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि तुम मान लो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे तुम रिसर्च करने जा रहे हो जस्ट टू नो द लेवल ऑफ पेन द पर्सन सफर्स फ्रॉम। ठीक है जी, अब तुम्हारे पास पहले से प्रायर नॉलेज होगा उसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। कहाँ कहाँ से मिलेगा तुम्हें? बुक से मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा? लेकिन देखो जो बुक्स से आपको नॉलेज मिलता है, इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। मैं अनस्ट्रक्चर्ड की बात कर रही हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिसका कोई एविडेंस नहीं है, हम या तो खुद सोच लेते हैं या हमने किसी से सुना है, फ्रेंड से, फैमिली से, है ना? कुछ हमारी इंट्यूशंस भी होती हैं। इंट्यूशन समझते हैं? व्हाट आर इंट्यूशंस? कि हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि दर्द तो सबको होती होगी। तो नंबर वन इज दी इंट्यूशन। तो कुछ नॉलेज हम अपने इंट्यूशन से ले लेते हैं, हमें लगता है कि गलत होने वाला है, तो वो भी हम कहाँ रख लेते हैं? अपने माइंड में रख लेते हैं। हमें लगता है कि पेन होने वाली है, तो वो क्या है? इंट्यूशन ही तो है। नेक्स्ट इज, और हम कहाँ से ले सकते हैं? इंट्यूशन हो गया, हेरिडिटरी, इनहेरिट भी कर सकते हैं। हमने अपनी मम्मी मम्मी से सुना है, मम्मी बोलते हैं कि जब पीरियड्स आते हैं
तो दर्द महसूस होती है। फिर हमने अपने बच्चों को भी बोला, क्योंकि हमने महसूस करी, हमने अपने बच्चों को भी बोला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में दर्द होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा फ्लो होता है और ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो क्या है, एक इंट्यूशन मेथड हो गया, एक आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जहां हम नॉलेज देते हैं एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन को। नाउ वी आर दी फ्यूचर मॉम्स, हम फ्यूचर मॉम्स हैं, क्या हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी होती सिखाएंगे? हाँ, तो हम एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में उसे डाल रहे हैं, ठीक है? तो उसे हम किस में बोलेंगे, ट्रेडिशन में बोलेंगे, कि हम ये तो सिखाते ही हैं अपने बच्चों को। नेक्स्ट इज हेरिडिटरी भी बोल सकते हैं इसे, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दे आर इनहेरिटेड ऑल्सो, इनहेरिटेड ऑल्सो। ट्रेडिशनल बोल लो, इनहेरिटेड, आपकी बुक में ये अलग अलग है, पेपर में भी अलग अलग पूछा जाता है, ठीक है? ट्रेडिशन का मतलब होता है कि दो जो भी कल्चर के लोग होते हैं वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर, एक कल्चर से दूसरे कल्चर मतलब हिंदू वाले हिंदू को, मुस्लिम वाले मुस्लिम को, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन को। तो अगर मुस्लिम में किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आगे वो अपने कल्चर में भी यही बताएंगे ना कि ऐसा होता है, लड़कियों को ऐसे प्रिकॉशन रखनी चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। उसी तरह से जैसे हमारे हिंदुओं में होता है, अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो हमारा कल्चर क्या कहता है, नॉट टू विजिट द टेम्पल होता है। यही नॉलेज हम किसको देते हैं, आगे अपने बच्चों को देते हैं, लड़कियों को बोलेंगे। तो दैट इज अ ट्रेडिशन, दैट इज अ ट्रेडिशन। और इनहेरिटेड क्या हो गया, जब एक माँ अपनी बच्ची को क्या देती है, नॉलेज देती है, दैट इज इनहेरिटेड, जो हमने अपनी मम्मी से सीखा है। लेकिन जो हमने अपनी कम्युनिटी, अपने कल्चर से सीखा है वो ट्रेडिशन है, ठीक है जी? लेकिन जो मैंने मॉम से सीखा है वो एक इनहेरिटेड चीज है, ठीक है? नेक्स्ट वन वी हैव द एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस से भी होता है नॉलेज गेन, कि हाँ अभी जैसे किसी के पीरियड्स आया है तो उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि दर्द तो होती है। अब कल को कोई और लड़की उसे बोलेगी कि हाँ यार दर्द होती है, तो शी कैन एबल टू फील कि दर्द तो होती ही है, ठीक है जी? नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर मेथड से भी हम सीखते हैं। सीखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से? यस, वी डू लर्न फ्रॉम ट्रायल एंड एरर मेथड से भी हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है, ठीक है? तो ये चार पांच चीजें जो है आपको याद रखनी है, इंट्यूशन से, ट्रेडिशन से, इनहेरिटेड होता है, एंड एक्सपीरियंस से, और ट्रायल और एरर मेथड से आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं, ठीक है जी? और ये किसमें आएगा, अनस्ट्रक्चर्ड। ये अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए क्योंकि आप एक्सपीरियंस सबके अपने अपने होते हैं, सभी अपनी अपनी गलतियों से सीखते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है कि सबको इसी तरीके से सीखना है ना? कोई 2 बार सीख जाता है, किसी किसी को 5 बार गलती करके भी समझ नहीं आता है। और इंट्यूशन सबकी अपनी अपनी होती है, किसी को पॉजिटिव इंट्यूशन आएगी, किसी को नेगेटिव इंट्यूशन आएगी। उसी तरीके से कल्चर ट्रेडिशन भी सबका अलग अलग है। और अगर मैं सिख लोगों की बात करूं तो उनके इसमें उतना फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपके फैमिली में अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो दे कैन विजिट गुरुद्वारास, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे इसमें है ना, हमारे इसमें क्या होता है कि जब तक आपके पीरियड्स खत्म नहीं हो जाते, यू कैन नॉट विजिट एनी टेम्पल, ऐसा ही होता है। हाँ, तो ये क्या है, ये हमारे ट्रेडिशंस हैं, तो जो हमें क्या करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, ठीक है जी? चलिए, नेक्स्ट वन ये था अनस्ट्रक्चर्ड में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड में। स्ट्रक्चर्ड मतलब अगर नॉलेज गेन करना है तो इसी का ही पालन करना पड़ेगा। और ये क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब कि एक पर्टिकुलर ढांचा बना है, कि नॉलेज गेन करना है तो यही चीजों से हो सकता है और कोई तरीका नहीं है, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। तो इसमें देखिए आपके क्या क्या आ जाते हैं, इसमें भी आपकी 3 चीजें आती हैं स्ट्रक्चर्ड वाले में। वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड। नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक मैथड, साइंटिफिक मैथड। एंड नेक्स्ट वन वी हैव रिसर्च, रिसर्च, दिस इज द रिसर्च। कि अगर आपको कोई भी नॉलेज गेन करना है, किसी चीज के बारे में नॉलेज करना है, या फिर फैक्ट्स एविडेंसेस कुछ भी करने हैं, तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड वे से और एक स्ट्रक्चर्ड वे से, ठीक है जी? तो दोनों से ही आपको क्या मिलेगा, नॉलेज, भरपूर नॉलेज मिलेगा आपको, रिसर्च भी हो जाएगी और आपका नॉलेज वाला काम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है जी? अब देखिए स्ट्रक्चर्ड में वो कह रहा है कि पर्टिकुलर यही चीजें करनी पड़ेंगी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो मेथड्स हैं आपको वही अप्लाई करने पड़ेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई अलग मेथड अप्लाई नहीं कर सकते।
लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या इंट्यूशंस में जो दिया जाता है वही अप्लाई करते हैं, सभी अपने अपने मन की बात करते हैं ना। हो सकता है मुझे इंट्यूशन पॉजिटिव आ रही हो, उसे नेगेटिव आ रही हो, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि मुझे पॉजिटिव आ रही है या मुझे नेगेटिव आ रही है तो तुम भी वही करो। आई कैन नॉट फोर्स एनीबडी। लेकिन स्ट्रक्चर्ड वाला ऐसा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो स्टेप्स दिए होंगे तुम्हें वैसे ही काम करना पड़ेगा। रिसर्च की जो आपको लिस्ट दी होगी कि रिसर्च में सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू होता है, उसके बाद सैम्पलिंग होती है, आपने एनालिसिस करना है, तो आपको वही स्टेप क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। सेम इज द केस विद द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड आपको एविडेंसेस, फैक्ट्स, रीजन ढूंढने ही पड़ेंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कैसा है, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, मतलब जैसा बना है वैसा ही काम करना पड़ेगा। ठीक है जी बच्चे, क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये चीज समझ आ रही है या फिर लग रहा है कि बहुत टफ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम समझ। चलिए नेक्स्ट वी डील अबाउट द नंबर वन, दैट इज दी, देखो उसमें तो कुछ नहीं था ना, ट्रेडिशंस और वो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको याद करके जाना है स्ट्रक्चर्ड कौन सा है और अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो टोटल रिसर्च है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इन तीन चीजों के ऊपर। वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक मेथड, एंड देन इज द रिसर्च। बाकी दो भी उतने अहमियत नहीं रखते हैं, बट थर्ड वन दैट इज रिसर्च प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर वन आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि पर्टिकुलर मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ली और उसको क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। अब ये मैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो लेती हूं, चलो इसको साथ साथ में करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी मैं करूंगी तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या चीज है, कौन सी चीज जो है वो मैं उसको एज अ प्रॉब्लम देख रही हूं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। किस चीज के ऊपर जाके मैं नॉलेज लेने वाली हूँ, किस चीज के ऊपर मैं जाके रिसर्च करने वाली हूँ, उसे मैं क्या कहूंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, एक ऐसी डेफिनेशन हो सकती है जिसके ऊपर मैं क्या करने वाली हूँ, रिसर्च करने वाली हूँ, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम एनालिसिस। अब मेरे पास स्टेटमेंट आ गई, अब मैं क्या करूंगी, इस प्रॉब्लम का एनालिसिस करूंगी। और ये स्टेप्स बच्चे आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम एनालिसिस पहले आप एक पूरा सर्कल बना लीजिए, फिर एक एक करके मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव जेनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस, जेनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन वी हैव एनालिसिस, अगेन एनालिसिस, देन सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग, देन इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएशन। एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगेन, ठीक है। इसके आगे डेफिनेशन भी लिख लेना, यहाँ पे डेफिनेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि हम किस चीज के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई तुम्हें बताएगा कि इस प्रॉब्लम के ऊपर करो। साइंटिस्ट कौन होते हैं, जो प्रॉब्लम भी खुद ढूंढते हैं और सॉल्यूशन भी खुद ढूंढते हैं। अब जब आपने कहीं गए होंगे आप, अब मान लो आपकी सोच थोड़ी साइंटिफिक किस्म की, आप साइंटिस्ट हैं, आप कहीं किसी एरिया में गए और वहां पे आपको पता चला कि टाइफाइड की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है लोगों में, ठीक है जी। टाइफाइड की बीमारी बहुत ज्यादा लोगों में फैल रही है, ठीक है जी। अब साइंटिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, अब उन्हें देखा यहाँ पे अच्छा टाइफाइड की बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है, तो वो क्या करते हैं, इसको प्रॉब्लम बनाएंगे कि दैट टाइफाइड इज स्प्रेडिंग सो फास्ट। और कौन से लोगों में, ऐसे लोगों में जो कैसा पानी पी रहे हैं, कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं,
ठीक है, खुद उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी कि जिस एरिया का पानी कंटामिनेटेड है वहां लोगों में क्या पाई जा रही है, टाइफाइड की प्रॉब्लम। तो उन्होंने प्रॉब्लम खुद ढूंढी, अब क्या ढूंढेंगे, सॉल्यूशन भी खुद ढूंढेंगे। तो जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनका सिर्फ ये काम नहीं होता है सॉल्यूशन ढूंढना, उनका काम होता है प्रॉब्लम को भी ढूंढना। ठीक है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी। इसलिए जब भी आप रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम भी आप खुद ढूंढेंगे और उसका सॉल्यूशन भी आप खुद ही ढूंढेंगे। ठीक है जी, साइंटिस्ट भी ऐसा ही करते हैं। किसी ने अगर एरोप्लेन बनाया होगा तो उसको पता है कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से लोग अपने कई बार इधर उधर जाने में लेट हो जाते हैं। एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो पैदल जाना पड़ेगा या थ्रू वाटर के जाना पड़ेगा, तो बहुत लेट हो जाता है। तो उन्होंने प्रॉब्लम देखी ना ये, कि ये तो प्रॉब्लम है। अब ऐसी क्या चीज की जाए कि इस टाइम को मैनेज कर सके, और जो जहां हमने 2 दिन ले लेने हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचने में, वहां पे 2 घंटे में ही पहुंचा जा सके। इसलिए उन्होंने किसका आविष्कार किया, एरोप्लेन का। तो उन्होंने प्रॉब्लम भी खुद ढूंढी और सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढा। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब हमारे पास आ गई है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि टाइफाइड की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, ठीक है जी, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। तो वो आपकी क्या आ गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। नाउ प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब ये है आपने प्रॉब्लम को देखना है। अब प्रॉब्लम का इसका मतलब नहीं है कि आपने टाइफाइड को देखना है, आपने देखना है कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने चूज की है, हाउ इट विल अफेक्ट यू। यू मतलब तुम्हें कैसे अफेक्ट करेगी, और जिसके ऊपर तुम इसे रिसर्च करने वाले हो उसको कैसे अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे 2 लोग आते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस मतलब इस प्रॉब्लम से कौन से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कौन। एक तो तुम, क्योंकि तुम वहां गए, तुमने देखा, यू आर बीइंग अ साइंटिस्ट, तो तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट पीपल। सेकेंड चीज, तुम्हारे ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा कि तुम जब रिसर्च करोगे यू विल गेन सम नॉलेज। ठीक है, तो प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब है कि तुम इसका अफेक्ट देखोगे, एनालिसिस करोगे कि व्हाट यू विल गेन एंड व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन दैट जनता, जिसके ऊपर तुम क्या करने वाले हो, रिसर्च करने वाले हो, उसे क्या कहेंगे, प्रॉब्लम एनालिसिस। तो हमेशा 2 लोगों पे की जाती है, एक तुम्हारे ऊपर, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेन सम नॉलेज, यू आर गोइंग टू अप्लाई सम नॉलेज, तुम्हें फैक्ट्स मिलेंगे, तुम एविडेंस लोगे, और वहां पे लोगों के ऊपर तुम्हारी रिसर्च का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, दैट इज प्रॉब्लम एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जेनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब तुम्हारे पास इतने ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, क्या एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, नो, यू हैव मेनी सॉल्यूशंस। या तो लोगों की लोकेशन चेंज कर दो वहां से थोड़ी थोड़ी, या तो उनको बोलो बॉइल्ड वाटर पिया करो, या तो उनको बोलो कि उनका वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी जाके चेकिंग करो कि वहां का पानी कंटेमिनेटेड क्यों हो रहा है, या तो उनको बोलो कि अपना हाउस होल्ड का थोड़ा जो ड्रेनेज है उसको चेक करो। देखो, मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो एक प्रॉब्लम का कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे नियर अबाउट यू विल हैव 10 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस, 10 सॉल्यूशंस, 4, 5, 6, 7, 8, अप टू 10 सॉल्यूशंस। अब बेटा ये जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, ये ऐसे सॉल्यूशन होंगे, कुछ होंगे 10 में से 10 नंबर, मतलब बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशंस क्या होंगे, 10 में से 9 नंबर, कुछ होंगे 8 नंबर, कुछ होंगे 7 नंबर, कुछ होंगे 4 नंबर। मतलब ये एक ऐसे सॉल्यूशन है जो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और थोड़े कम अच्छे भी हो सकते हैं, उससे कम अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो है। अब लोगों को हम बोले कि वहां से माइग्रेट कर जाओ, तो ये थोड़ा कम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है लेकिन थोड़ा कम अप्लाई होने वाला सॉल्यूशन है, बट स्टिल वी विल कीप इट एज अ सॉल्यूशन। तो उसे हम क्या कहते हैं, जेनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन, के कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं आपकी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये अगला वाला स्टेप है। नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस मतलब आपके पास जितने भी 10 सॉल्यूशंस आए हैं, अब आपने हर एक के ऊपर फोकस करके देखना है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो ज्यादा करके बेनिफिट लेकर आ सकता है। मेरे ख्याल से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि मैं अप्लाई करूंगी और मुझे वही रिजल्ट मिलेगा जो मैं चाहती हूं। तो एनालिसिस मतलब ढूंढना उन 10 सॉल्यूशंस को, उसको अच्छे से सोचना कि विच वन इज दी बेस्ट वन, विच वन इज दी बेस्ट वन। नेक्स्ट क्या करूंगी, मैं सेलेक्ट करूंगी, कौन से वाले को सेलेक्ट करूंगी जो कि बेस्ट होगा, उसे मैं
सेलेक्ट कर लूंगी, फिर उसे क्या करूंगी, इम्प्लीमेंट करूंगी, और फिर मैं उसकी क्या करूंगी, इवैल्यूएशन करूंगी. अब मान लो मैंने उसकी इवैल्यूएशन की एंड आई कम टू नो दैट माय रिजल्ट वाज परफेक्ट, फिर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यू डोंट हैव टू रिसर्च अगेन. नहीं, अब मान लो इवैल्यूएशन से आपको पता चला कि यू गेट फेल इन योर रिसर्च, और एक्चुअल में रिसर्च होती भी ऐसी ही है, कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल नहीं हो जाता. अब आपने देखा आपने जो सॉल्यूशन निकाला था उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, इट इज लेस देन 50%. कितना आया है? लेस देन 50%. अब आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा? रिसर्च. तो व्हाट यू विल डू, कहाँ से चेंज, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे, सॉरी कहाँ से इस चीज को शुरू करेंगे, बताइए जरा से. प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. सॉल्यूशन जेनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन पॉसिबल से आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. यहां से क्यों स्टार्ट करेंगे बेटा, ये प्रॉब्लम तो आपने ढूंढी है, ये कभी बदल नहीं सकती. क्या आप प्रॉब्लम को ही चेंज कर लेंगे अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आया कि अब मैं इस प्रॉब्लम को ही नहीं देखूंगी? ये तो फिर आपकी नाकामी हो गई ना, कि आपने प्रॉब्लम ही बदल दी. अब आगे आपको फिर से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले ली, उसमें भी रिजल्ट नहीं मिला, ये भी प्रॉब्लम चेंज कर दी. कितनी प्रॉब्लम चेंज करते रहेंगे है? ऐसे तो आप सारी प्रॉब्लम्स को निग्लेक्ट करते रहेंगे, चेंज कर लो चेंज कर लो चेंज कर लो, फिर दूसरे बोलेंगे तुम चेंज ही करते रहोगे, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है. ऐसे होगा, ऐसा ही होगा. ठीक है, कभी भी जब आपकी इवैल्यूएशन पे रिजल्ट सही नहीं आए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर रिसर्च नहीं करनी है, वो जैसी थी वो सही ही है, वो सही ही है, वही प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कहाँ आई? सॉल्यूशन डिसाइड करने में प्रॉब्लम आई. कहाँ प्रॉब्लम आई? सॉल्यूशन डिसाइड करने में. तो यहां आपके पास 10 सॉल्यूशंस थे, क्योंकि यही सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप इससे बाहर कुछ नहीं सोच सकते, ये तो पक्का पता है ना, ये तो पक्का पता है. ऐसा हो सकता है कि ये जो आपने 10 सॉल्यूशन निकाले हो, दोबारा से एनालिसिस किया तो एक और परफेक्ट सॉल्यूशन मिला, एक और परफेक्ट सॉल्यूशन इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया. अब आपको लगा है कि यही सबसे परफेक्ट है, तो आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे दोबारा से सारे सॉल्यूशंस की, कि अब मैं जो नया मैंने सोचा है मैं उसको लगा के देखूंगा. फिर क्या करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे, फिर से क्या करोगे, इम्प्लीमेंट, फिर से इवैल्यूएशन, फिर देखोगे रिजल्ट. अब लगा कि रिजल्ट फिर से नहीं आया, आप बोलते हो रिसर्च फेल हो गई, उसने एक बार किया दो बार, तो वो यही फेल हो रहा होता है पर्सन. थॉमस एडिसन जो फेल हो रहे होते हैं ना बार बार, उनको बल्ब का आविष्कार करने में ये प्रॉब्लम आ रही होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में आ रही होती है. जब भी कोई इंसान कोई प्रॉब्लम फेस करता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है? जेनरेटिंग ऑफ सॉल्यूशन और उसकी एनालिसिस में, कि उसको सेलेक्ट कौन सा करना है. इसीलिए सॉल्यूशन इतने ज्यादा होते हैं कि उसको हर एक सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर करके देखना पड़ता है कि बेस्ट कौन सा है और किससे रिजल्ट आ रहे हैं. अगर आपके एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हुआ है ना, कि सबसे अच्छी एंटीबायोटिक कौन सा काम कर रही है, तो वो भी ऐसे ही हुई होगी, उनके पास 10 एंटीबायोटिक्स होंगी, एक को लगा के देखेंगे उसका रिजल्ट देखेंगे, दूसरी को लगाएंगे, तीसरी चौथी पांचवी छठी, तब जाके एक बेस्ट वन सॉल्यूशन क्या होता है, सेलेक्ट होता है. फिर आप बोलते हो पेंसिलिन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस, होता है, होता है, यही होता है ना. हाँ जी, पेंसिलिन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस. तो उन्होंने पेंसिलिन, मिथिसाइलिन, एमोक्सिसिलिन, ना जाने कितनी एंटीबायोटिक्स रखी होंगी, किसको ट्रीट करने के लिए, स्टेफाइलोकोकस के लिए, लेकिन कहाँ पे उनकी प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी कि बेस्ट वन कौन सी है. और आपको पता है हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, यही वो मेथड है जहां से आप क्या सीखते हैं, कि हार भी यही होगी और जीत भी यही होगी, तो ट्राई ट्राई अगेन करने से. ये तो बहुत सौभाग्य की बात है अगर इस किसी का एक या दो दूसरी बार में तुक्का लग जाए, ठीक है. अदरवाइज जो रिसर्चर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, ट्राई ट्राई करना पड़ता है. आपको ये बात इसलिए फील नहीं होती जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं ना, यही प्रॉब्लम आती है, एक बार ग्रोथ की नहीं आई, फिर से उस प्रोसेस को दोबारा. इसलिए व्हाई यू थिंक कि पीएचडी ये 3 से 5 साल क्यों ले लेती है? आप लोग तो अपनी वो जो थीसिस लिखते थे ना, प्रॉब्लम कितने, 5-6 महीने में कंप्लीट, ज्यादा ज्यादा 1 साल ले लेते थे, इधर से थोड़ा देखा थोड़ा उधर से देखा, फिर उसमें खुद को भी नहीं पता होता था कि मटेरियल डाला क्या है इसमें, कभी इतने ढंग से सोचने की कोशिश की, इतना कौन सोचता है, हमें तो तब पूरा ये लगा होता है कि कब कब कोर्स खत्म हो, वाइवा हो और हमारा जाए. नहीं भाई, जब हम पीएचडी करते हैं ना, वहां पे ये सारी चीजें, ना जाने कितनी बार फेल होते हैं, और वहां पे एक टाइम पे तो ऐसा भी आ जाता है कि जब पीएचडी छोड़ने का मन कर जाता है, नो वी कैन नॉट सर्वाइव अगेन, क्योंकि इतनी नाकामी देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा. लेकिन जब आपका पेपर छपता है ना किसी में, जैसे हमारी माइक्रोबायोलॉजी का सबसे फेमस जो पेपर है वो ब्राजीलियन पेपर है ऑफ रिसर्च का, ऑफ जर्मनी एंड ऑफ फ्रांस,
एंड ऑफ ब्राजील, तो उसमें जब किसी का पेपर छपता है ना, तो उसके लिए वो मूवमेंट ऑफ अचीवमेंट हो जाता है कि भाई साहब कुछ तो अच्छा हुआ है, कुछ तो अच्छा हुआ है। जब तक वो पेपर नहीं ना छपता है, ऐसे लटकी रहती है वो ऐसे। तो तुम्हारे जो प्रोफेसर होते हैं ना, जिसके अंडर तुम पीएचडी कर रहे हो, वो भी तुम्हें ऐसे देखते हैं कि तुमसे तो ना हो पाएगा, तुमसे तो ना हो पाएगा। अगर तुम 2-3 बार से फेल हो गए, 3 बार तुम फेल हो गए ना, फिर वो भी तुम पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। इसलिए तुम्हें कितने देते हैं, 3 से 5 साल, 5 साल मैक्सिमम, 5 साल। और अगर 5 साल में भी तुम अपनी थीसिस में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो तुम्हें दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे 3 साल। कैन यू इमेजिन, ऐसा ही होता है। अब खुद सोचो, तुमने जो थीसिस करी होती है और जो बेचारे पीएचडी वाले कर रहे होते हैं, कितना फर्क आता है। तो यहाँ पे फर्क आता है, ठीक है जी। तो आज के बाद जब भी सॉल्यूशन निकालना है, 10 सॉल्यूशंस रखिए, एक-एक को इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर तुम ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो तो 2 को लगा लो साथ में, 2 सॉल्यूशंस को साथ में, बट ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो दो दो कौन लेके चलेगा। सो दिस इज हाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, बाय ट्राई 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 एंड ट्राइंग ऑल द सॉल्यूशंस। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक बार में जो मेथड सेलेक्ट किया है, वही आपका क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए। तो आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो एक बार में भी सॉल्व हो सकती है। तो इसमें ज्यादा टाइम फिर नहीं लगेगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन सही नहीं है, क्योंकि देखो ये तो मैं कह रही हूँ, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे ये लिखने में बहुत आसान है कि उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं, हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, लोगों की एक्सपीरियंसेस को कंडक्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसे हम नरेटिव में बोलते हैं। बहुत टाइम लग जाता है लोगों के एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करने में, ये तो पता है ना। ऐसा तो नहीं है हमने किसी को बोला आ जाओ आज सबके एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर लेने, ऐसा होता है। आज एक जगह गए, कोई दूसरी जगह, परसों तीसरी, चौथी, पांचवी, 2-3 महीने या नियर अबाउट 1 ईयर तो आपको एविडेंस इकट्ठे करने में लग जाता है। अगर अच्छी वाली रिसर्च करनी हो, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज अ ह्यूज प्रोसेस। लेकिन आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम अगर रिसर्च इतनी है, फिर तुम्हें पढ़ने में भी 5 साल लग जाएंगे, पेपर कब देंगे हम। नहीं, हम आपकी रिसर्च को 15 डेज में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं करूंगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहती थी हाउ रिसर्च एक्चुअली वर्क्स, ठीक है जी। चलिए, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा दैट हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है जी। बच्चे, क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को इतना क्लियर है? ओके, यस मैम, यस नाउ नेक्स्ट वन। अब क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन। अगर पूछेंगे तो ये क्वेश्चंस रेपिटेशन में पूछे गए हैं, मतलब 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। वेरी कॉमन क्वेश्चन है, देखने में बहुत कॉमन लगते हैं, लेकिन आंसर देने में इतने ही अनकॉमन है, ठीक है। सबसे पहले अल्टीमेट एम ऑफ रिसर्च पूछते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ रिसर्च। अल्टीमेट एम ऑफ रिसर्च क्या है? नीचे वो आपको बड़े ज्यादा ऑप्शंस देंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे, अल्टीमेट एम ऑफ नर्सिंग रिसर्च क्या है? देखो दोनों में फर्क है, एक है रिसर्च का, एक है नर्सिंग रिसर्च का। अल्टीमेट एम ऑफ नर्सिंग रिसर्च, हाँ जी, क्या लगता है आपको? पहले अल्टीमेट एम ऑफ रिसर्च का क्या है? रिसर्च का देखो जैसा नाम है वैसा ही है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेंगे कि अल्टीमेट एम ऑफ रिसर्चेस, नॉलेज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है ना, पहले से वो चीज है, आप उसे क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डेवलप कर रहे हो, और थोड़ा और पॉलिश करके चीजों को दुनिया के सामने लेकर आ रहे हो। ऐसा ही होता है ना, कि जो चीज छुपी है, तुम्हें पता है कि वो चीज है, तुम उसे बस डेवलप करवा के, मतलब थोड़ा और निखार के लेकर आ रहे हो, और उसे थोड़ा पॉलिश कर रहे हो। जब हमें हीरा मिलता है ना, तो वो वैसे ही नहीं चमकदार होता है, उसे क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, और उसे क्या कहते हैं, रिफाइन। क्या कहते हैं? रिफाइन। तो जब भी क्वेश्चन पूछेंगे कि रिसर्च का अल्टीमेट एम क्या है, डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग द नॉलेज, डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग द नॉलेज, डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग द नॉलेज। अगर पूछ लेंगे नर्सिंग रिसर्च का क्या रोल है, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आपकी फील्ड में नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग फील्ड में रिसर्च क्यों डाली गई है? प्रैक्टिस टू एनहांस द नर्सिंग प्रैक्टिस। सिर्फ नर्सिंग प्रैक्टिस को एनहांस करना, ठीक है, आई एम बीइंग अ नर्स, मैं अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट कर लेती हूँ, क्यों करनी है मुझे अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस परफेक्ट जब तक मैं उसे अप्लाई ना करूं?
देखो, नर्सिंग के साथ हमेशा केयर लगाई जाती है, नर्सिंग केयर बोली जाती है हमेशा। जब भी आपके दिमाग में कोई नर्सिंग से रिलेटेड वर्ड आएगा, ऑलवेज इज इक्वल्स टू केयर, ऑलवेज इक्वल्स टू केयर। हम नर्सिंग में रिसर्च को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम केयर को इम्प्रूव कर सके। कौन सी केयर? क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव कर सके। जो पहले हम बेड सोर की ट्रीटमेंट करते थे, सिर्फ किसके साथ पाउडर लगा दिया, कभी ऑयल के साथ मसाज कर दिया, अब हो सकता है कि कुछ नए, अब आपको पता है अल्फाबेट्स भी आ गए थे थोड़े टाइम बाद, है ना, अल्फाबेट्स भी आ गए थे। पहले तो हमें एकदम से पोजीशन चेंज 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 करनी पड़ती, उसके बाद अल्फाबेट्स आने लग गए, है ना। तो वो क्या हुई? एडवांसमेंट हुई। क्या हुई? एडवांसमेंट। क्यों हुई? पेशेंट की अच्छी केयर हो सके। हमें इसीलिए रिसर्च करवाई जाती है ताकि हम उन सभी सॉल्यूशंस को ढूंढ सके जिससे हम अपनी पुरानी वाली नर्सिंग केयर को रिप्लेस कर सके नर्सिंग की नई वाली केयर के साथ। क्यों? हमें क्यों सीखना जरूरी है? ताकि हम हमारा क्योंकि हमें पेशेंट के साथ डील करना है, हमें नॉलेज खुद गेन करके कोई फायदा नहीं है अनटिल अनलेस हम उसे कहीं अप्लाई ना कर पाए। तो रिसर्च हमें पेशेंट के लिए लगी है। किसके लिए लगी है? पेशेंट के लिए लगी है। तो इसका एक ही आंसर है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी केयर, टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ केयर, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, अब आप ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ नर्सिंग के लिए ही ऐसा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ केयर किसकी? पेशेंट की, ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पे आपको रिसर्च सिर्फ पेशेंट के लिए लगी है, तो ये समझ लेना आप, आज यहाँ पे मैं आपको रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो कहीं ना कहीं पेशेंट को भी जरूरत है। आप अपनी मर्जी से, आपको तो नॉलेज मिल ही रहा है, लेकिन अगर आपको मान लो नहीं भी रिसर्च लगी होती तो क्या हो जाता? कुछ होता? क्यों? कुछ होता? कुछ होता? नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि आजकल डिजीजेस कैसी आ रही है, एडवांस किस्म की आ रही है। तो एडवांस डिजीजेस हैं तो हमारे पास प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? एडवांस लेवल की होनी चाहिए। इसलिए हमारा फोकस कहाँ है ज्यादा से ज्यादा? टू इम्प्रूव द क्वालिटी केयर ऑफ द पेशेंट। और ये सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है, डॉक्टर्स के लिए भी सेम यही है। अगर डॉक्टर्स को रिसर्च लगाई जाती है, डॉक्टर्स रिसर्च पढ़ते हैं, तो उनका एम बी क्यू क्या रहता है? वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि पेशेंट को और किस तरीके से ठीक किया जा सके। ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें पेशेंट का कम हार्म हो और ज्यादा से ज्यादा उसको रिजल्ट अच्छा मिले? तो जनरली आपका प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अत्यधिक अत्यधिक फोकस किस पे है? केयर पे है। किस पे है? केयर पे। इसीलिए आपकी केयर और ऊपर वाली रिसर्च वाले में क्या है? डिफरेंस है। देखो, जो हम टोटल रिसर्च करते हैं, आप सबको तो मेडिकल फील्ड से लेना देना नहीं है ना। अगर मैं बाहर एस्ट्रोनॉट्स की बात करूं तो उनको क्या मेडिकल फील्ड से लेना देना है? नहीं, उनको कोई पेशेंट के साथ डील नहीं करना है। ठीक है, उसी तरीके मैं सोशियोलॉजिस्ट की बात करूं, उनको पेशेंट के साथ डील करना है? नहीं, इसलिए उनकी कोई क्वालिटी केयर मायने नहीं रखती, उनको सिर्फ नॉलेज गेन करना है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन जितने लोग, उनको पेशेंट के साथ केयर करना है, इसलिए उनको रिसर्च भी किसके ओरिएंटेड है? पेशेंट केयर के ओरिएंटेड है। ठीक है जी, आई होप यू आर गेटिंग माई कॉन्सेप्ट, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नाउ वी विल डील विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज, देखिए, साइंटिफिक, अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो एज सच इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। सो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? व्हाट इज साइंटिफिक मेथड इन विच, साइंटिफिक मेथड क्या है? इन विच यू ट्राई टू गेन एविडेंस, एविडेंस जिसमें तुम्हें क्या लेने की कोशिश करते हो? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज दिस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस? कि तुम किसी की केयर, मान लो अल्फा बेटा भी इंट्रोड्यूस हुआ, तो तुम्हें, तुमने उसका एक्सपीरियंस किया है लोगों के ऊपर, एक्सपेरिमेंट किया है, और तुम्हें पता चला है कि अल्फाबेट इज यूजफुल टू द पेशेंट, इज यूजफुल टू द पेशेंट। तुमने 10 पेशेंट में लगा के देखा, उसमें से तुमने देखा 7 पेशेंट में वो काम कर रहा है। अब तुम्हारे पास जब भी नया पेशेंट आएगा, तुम अल्फाबेट क्या करोगे? रिकमेंड करोगे ही करोगे। तो वो क्या है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस है कि इसने पहले अच्छा काम किया है, और अभी भी मैं अगर किसी पेशेंट पे लगाऊंगी तो वो उसको अच्छा ही रिजल्ट देगा। उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। तो आपके पेपर में, मैंने आपको जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, यूपी एसएससी में ये पेपर में पूछा गया था कि ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये दिया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है।
ईबीपी स्टैंड्स फॉर, तो तुम्हें पता होना चाहिए ईबीपी स्टैंड्स फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, आपको पता है ना आपकी क्लास अब 1.5 घंटे की हुआ करेगी, अप टू 10:45। ठीक है जी, अभी आपको रेस्ट दे दूंगी मैं थोड़ा सा बीच में, अभी तो नहीं चाहिए, देख लो अगर अभी चाहिए किसी को तो आई कैन 5 मिनट के लिए। बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को रेस्ट तो नहीं चाहिए 5 मिनट की? नो मैम। नेक्स्ट वन वी डील विद द रिसर्च। हमने तीन चीजें पढ़ी थी ना, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च। तो रिसर्च तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, री मीन्स वंस अगेन, सर्च मीन्स टू सर्च फॉर समथिंग, जो कि कौन सी वाली, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे। अब बच्चे एक और क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे रिसर्च मीन्स लुकिंग ऑन द फैक्ट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? लुकिंग ऑन द फैक्ट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये सही है, ये सही है। लोग इसे गलत कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है रिसर्च वो थोड़ी होती है, वो उनको लगता है कि, और उन्हें नीचे ऑप्शन में ये भी दिया होता है कि इट इज लुकिंग ऑन द फैक्ट्स दैट इज नॉट सर्च्ड, तो वो क्या रिसर्च हुई? नहीं, जो पहले से ही एविडेंस है आप उन्हीं के ऊपर जब रिसर्च कर रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहेंगे? रिसर्च कहेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, वी हैव अ न्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास आई गेस, योर नेम इज मोनिका। मोनिका, डू माई कॉन्सेप्ट आर गेटिंग क्लियर टू यू? समझ आ रहा है? ओके बैठे। देखिए अब हमने रिसर्च के बारे में बात कर ली, जहां पे जो डेफिनेशन आती थी वो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च कितने तरीके की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है जी, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, एक आती है अप्रोचेस बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, रिसर्च अप्रोचेस, अप्रोचेस बेस्ड ऑन स्टडिंग ऑफ वेरिएबल्स। अभी बताऊंगी ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अप्रोचेस बेस्ड ऑन स्टडिंग ऑफ वेरिएबल्स। दूसरी होती है ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च, किस तरीके की कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ रिसर्च, बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ रिसर्च। ठीक है जी, तो बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ रिसर्च इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एक आती है आपकी जनरल, एक आती है जनरल जिसे आप कहते हैं बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च। ठीक है, और एक आती है आपके पास अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, और यहां पे आपके पास फिर से दो तरीके की रिसर्च आती है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, अप्रोचेस बेस्ड ऑन स्टडिंग ऑफ वेरिएबल्स। देखो पहले इसको समझने की कोशिश करो, जब मैं कहूं अप्रोचेस बेस्ड ऑन स्टडिंग ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होती है? ऐसे क्वांटिटीज, वेरिएबल मतलब हम कहते हैं ये तो वेरी कर जाता है, जो कि बदल जा सके, जो कि बदला जा सके, उनको कहते हैं वेरिएबल्स। तो एक रिसर्च है जो कि डिपेंड करती है वेरिएबल्स पे, मतलब ऐसी चीजों पे रिसर्च करनी है जिसमें क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है। जैसे कि मेरी ग्रोथ होती है तो हाइट बढ़ती है कि हाइट सेम रहती है, हाइट बढ़ती है, वेट चेंज हो सकता है, पॉपुलेशन का नंबर चेंज हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, कुछ जेंडर्स हो सकते हैं, मेल हो सकती है या फिर फीमेल हो सकती है। तो वेरिएबल्स में इसका मतलब है कि ऐसे चीजों की स्टडी करना जिसमें बदलाव आया जा सके या फिर जो चीज चेंज हो सके, तो उन चीजों के बारे में स्टडी करना जिसमें बदलाव आ सके उसे कहते हैं स्टडिंग ऑन अप्रोचेस ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये तो बदलाव की थी, अब ऐसा नहीं है कि दूसरे साइड बदलाव ना आया जा सके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑन द पर्पस ऑफ रिसर्च कि तुम जो रिसर्च कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। एक है बेसिक रिसर्च,
जिसमें तुम्हारा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग टू गेन द नॉलेज. तो बेसिक रिसर्च, नो स्पेसिफिक पर्पस, नो स्पेसिफिक पर्पस, कोई आपका पर्पस नहीं है स्पेसिफिक, आप सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज द अप्लाइड रिसर्च. अब देखो अप्लाई का अपने आप में मतलब पता चल रहा है, अप्लाई मतलब जो नॉलेज हमने गेन किया है उसको क्या करना है, अप्लाई करना है. अप्लाई कब करेंगे, जब हमारा क्या होगा, कोई पर्टिक्युलर गोल होगा, जब हमारा कोई पर्पस होगा, तो ही हम उसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक गोल होता है. एक है बेसिक, बेसिक मतलब जर्नल, बेसिक मतलब जनरल, बेसिक का मतलब होता है जर्नल. ठीक है, तो ये एक जर्नल रिसर्च है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं सिर्फ ओनली टू एक्वायर नॉलेज, हमने उसे कहीं अप्लाई नहीं करना है, बस हम नॉलेज ले रहे हैं. जैसे हम सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, सिर्फ नॉलेज लेते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अप्लाइड. अब ये अप्लाइड रिसर्च है, इसका मतलब है जो हमारे पास नॉलेज है उसे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप बेसिकली रिसर्च में करते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है जो आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें अपने नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करोगे, नॉलेज को अप्लाई करेंगे कि नहीं. हाँ, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, अप्लाइड रिसर्च कर रहे होते हो. क्या कर रहे होते हो, अप्लाइड रिसर्च कर रहे होते हो. एंड व्हाट इज बेसिक रिसर्च, जब आप नॉलेज को गेन कर रहे होते हो. ठीक है जी. अब वेरिएबल्स में देखो, वेरिएबल्स मतलब जो बदला जा सके, जो क्वांटिटी चेंज हो सके, उसके ऊपर रिसर्च कितने तरीके की हो सकती है, टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो नंबर वन इज दी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव. नेक्स्ट वन इज दी क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड दी क्वालिटेटिव. ठीक है जी, क्वांटिटेटिव एंड दी क्वालिटेटिव. व्हाट डू यू थिंक, इन दोनों में से ज्यादा मुश्किल कौन सी है, आप कौन सी करते हो इसमें से, क्वांटिटेटिव करते हो आप लोग, क्वांटिटेटिव करते हो, क्वालिटेटिव आप क्वालिटेटिव करते हो कि क्वांटिटेटिव करते हो, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव आप, क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव रिसर्च करना, अब मैं तुम्हें बोलूं, चलो स्टडी ऑन माय ऑनेस्टी, स्टडी ऑन माय ऑनेस्टी, स्टडी ऑन माय फेलियर्स, कैन यू एबल टू डू इट, जन्म लग जाएंगे तुम्हें मुझे स्टडी करने में, मेरी ऑनेस्टी को सर्च करना हो तुमने, है कि नहीं, है ना. लेकिन मैं कहूं नंबर ऑफ बैग्स आई हैव, नंबर ऑफ पर्स आई हैव, कैन यू एबल टू डू इट, यू कैन डू इट. ठीक है, मेरे पास कितने पर्स हैं वो तुम बहुत आराम से सर्च कर लोगे. लेकिन मैं कहूं जब तुम्हें मेरी इंटरनल क्वालिटी के बारे में सर्च करना है, ठीक है जी, तो क्वालिटी इज समथिंग, क्वालिटी क्या है, किसी का कोई बिहेवियर है, किसी की कोई फीलिंग हो सकती है, ठीक है, तो क्या उसके बारे में आसानी से सर्च किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी फीलिंग्स कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और होंगी. ठीक है, अभी मेरा बिहेवियर कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो सकता है. लेकिन मैं कहूं मेरे बच्चे दो हैं, तो अभी भी दो हैं, बाद में भी दो ही रहेंगे. अब तुम ऐसा मत बोलो कि मैं माँ फिर से प्री प्लानिंग कर लो तो दो बच्चे हो जाए, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है जी, लेकिन एक स्पेसिफिक एज के बाद मेरे दो बच्चे थे तो दो के दो ही रहेंगे. मम्मी पापा दो थे तो क्या शादी के बाद चार हो जाएंगे, नहीं, सास ससुर आ जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो दो के दो ही रहेंगे कि वो बदल जाएंगे कि बेटा भाई शादी के बाद तो हम चार हो गए, ऐसा कभी नहीं होता. तो जो चीजों को क्या किया जा सके, काउंट किया जा सके, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी मतलब यू नो द अमाउंट, यू नो द अमाउंट, तो जिसकी क्वांटिटी तुम्हें पता है उसके बारे में रिसर्च अच्छे से हो सकती है. ठीक है, बस उसका अमाउंट बदला जा सकता है, ज्यादा या फिर कम हो सकती है. लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ किसी की फीलिंग्स को मेजर करना है, किसी की फीलिंग्स को जानना है, किसी की ऑनेस्टी को जानना है, तो दैट इज नॉट एट ऑल इजी. हो सकता है मैं अभी ऑनेस्ट हूँ, थोड़ी देर बाद मैं झूठ बोल लूँ, हो सकता है, हो सकता है. इसीलिए यू डोंट डू द क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव को करना, ऐसा नहीं है लोग करते नहीं, करते हैं, बट इट्स द टाइम कंज्यूमिंग, जो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता. तो वी ऑलवेज गो फॉर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव ना कि क्वालिटेटिव. ठीक है जी, अब चलिए यहां से हम बात करते हैं. क्वांटिटेटिव, ठीक है, नंबर वन
यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव लिख लेना है, क्वांटिटेटिव, हम साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन भी करते चलेंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड दी क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा इसे लिखेंगे, फिर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसेस, ठीक है जी। चलिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो देखिए जब भी मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं, मुझे जब भी कोई नॉलेज गेन करना होगा, मैं किस फॉर्म में नॉलेज को गेन करूंगी बताइए जरा, नंबर्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे नॉलेज इज गेन्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स की फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, कोई चीज कितनी है, कोई चीज कितनी है, 10, 15, 20, इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ठीक है जी। और ये जो नंबर 20 होता है, आपने कभी देखा होगा जब भी आप अपनी थीसिस देते हैं तो उसमें से चार्ट बना होता है ना, स्टैटिस्टिकल डाटा लिखा होता है, उसमें लिखा होता है पॉपुलेशन इतने सन में इतनी थी, इतने सन में इतनी हो गई। तो ये जो मुझे नंबर्स का नॉलेज मिलता है, ये मैं किस कौन सा मेथड यूज करती हूँ, यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो आप इसमें हमेशा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल डाटा। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होता है, मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल करते हैं आप इस चीज को निकालने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा का आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स की फॉर्म में आपको क्या मिलता है, नॉलेज देखने को मिलता है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आप कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स और नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, क्वांटिटेटिव में, ओके, नंबर्स, स्टैटिस्टिकल डाटा, एक्सपेरिमेंट्स मेथड आप इस्तेमाल करते हैं और नॉन एक्सपेरिमेंट मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या, नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या है, ये जब थोड़े टाइम बाद, एक दो लेक्चर्स के बाद जब हमारा आएगा उसमें आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए आपने बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्वालिटेटिव में, वहां पे तो आपको नंबर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या चीज मिलेगी, अब मैं गई किसी, जैसे मैंने कहा कि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे अगर रिसर्च कर रही हूँ तो मैं उन लेडीज के पास गई, ठीक है। अब मैं उनसे पूछूंगी कि आपको दर्द होती है, फर्स्ट डे में कैसा फील होता है, सेकेंड डे कैसा होता है, आपका फ्लो कितना चलता है, तो वो मुझे क्या नंबर्स की फॉर्म में डाटा देंगी या बयां करके डाटा देंगी, बयां करेंगी ना कि जी फर्स्ट डे ऐसा होता है, वो अपनी फीलिंग्स को बताएंगी आपको। तो उस तरीके की डाटा कलेक्शन को हम नंबर्स नहीं कहते हैं, हम कहते हैं नरेटिव फॉर्म, क्या कहते हैं, नरेटिव फॉर्म और द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो वो आपको क्या देती है, डिस्क्रिप्शन दे रही होती है, वो बता रही होती है जी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जब भी आपकी क्वालिटेटिव के ऊपर बात आती है तो आपको डाटा हमेशा कैसा मिलता है, डिस्क्रिप्टिव मिलता है और नरेटिव मिलता है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको कौन सा वाला ऐसी रिसर्च है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव डाटा मिलता है, तो इट इज अ क्वालिटेटिव, ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है, ओके। नेक्स्ट वन वी टॉक अबाउट, अब यहाँ पे आपको नंबर्स तो नहीं मिल रहे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन दे रही है ना, तो डिस्क्रिप्शन दे रही है तो वो आपको क्या दे रही है, वो अपने क्या चीज शेयर कर रही है, थॉट्स, ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस, है ना, एक्सपीरियंसेस को क्या आप नंबर्स की फॉर्म में काउंट कर सकते हो, यू कैन नॉट काउंट इट। तो यहाँ पे याद रखना, जो आप ओपिनियंस लेते हो किसी की, वो किस में आता है, क्वालिटेटिव में आता है, गेनिंग द ओपिनियंस, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि ये ओपिनियन कलेक्ट करना, किसी के एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करना, कौन से वाले डाटा में, ये कौन से वाले रिसर्च का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है जी। फीलिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द फीलिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस इज अ रिटन स्टेटमेंट जिसे आप मानते हैं कि ये सही है, हाइपोथेसिस इज अ रिटन स्टेटमेंट दैट यू बिलीव दिस इज करेक्ट।
तो हाइपोथेसिस का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? क्वांटिटेटिव में होगा, क्वांटिटेटिव में, क्योंकि ये आपने क्या नंबर्स की फॉर्म में आपको मिलती है, ठीक है जी। इसमें कहते हैं कि फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं है, ये आपने ओरिजिनली क्या बनाई है, एक स्टेटमेंट बनाकर रखी है। तो क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आपको आपको पता है कि आप उसे मेजर कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम दी है, आपने सिर्फ उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे आप हाइपोथेसिस को कहाँ टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हाइपोथेसिस आर टेस्टेड, हाइपोथेसिस आर टेस्टेड, ठीक है जी। लेकिन इस केस में क्या है, हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करनी होती है, आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ही नॉलेज लेना होता है पर्सन के। आप पहले से देखो, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी उनकी चल रही है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप उसमें क्या ही स्टेटमेंट बनाओगे, दैट इज ऑलरेडी अ प्रॉब्लम जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है। हाइपोथेसिस आप नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, हाइपोथेसिस आप खुद बनाते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में प्रॉब्लम नेचुरली ही एग्जिस्ट कर रही होती है, इसलिए आपको अपनी तरफ से हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप यहाँ पे डाटा कहाँ से लेते हैं, डायरेक्ट थ्रू द पर्सन, डायरेक्ट थ्रू द पर्सन, थ्रू द पर्सन एक्सपीरियंसेस। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव डाटा, जहां पेशेंट आपको क्या बोलता है, खुद बताता है, खुद बताता है, दैट इज अ सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है जी। तो ये सब्जेक्टिव हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, दिस इज द ऑब्जेक्टिव डाटा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एक नंबर्स में ज्यादा करके क्वेश्चन आता है नंबर्स के ऊपर, नंबर वाली कौन सी है, तो नंबर वाली हमारे पास क्वांटिटेटिव है, नैरेटिव वाली कौन सी है, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव कौन सी है, क्वांटिटेटिव, ओके, ओपिनियंस एक्सपीरियंस वाली कौन सी है, क्वालिटेटिव, फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल से कौन सी रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। आई होप बच्चे इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है, क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बच्चे इतना क्लियर है? यस मैम, यस। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक ले ले, हाँ या ना, ठीक है। 10:45 तक की क्लास है, तो अभी आई विल कम इन द क्लास एट 3:28 हुए हैं, 33 आई विल कम इन द क्लास, ठीक है जी। शोर नहीं मचाइएगा, आपकी जो बातें अधूरी रहेगी उसको डिस्कस कर लीजिए।
इज अमोडेबल टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम, यस मैम, मैं जो भी स्लाइड में यहाँ पे लिखूंगी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ में से क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी स्लाइड में से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपने यहाँ पे लिखना है डिफरेंस. क्या लिखना है? डिफरेंस. तो डिफरेंस किसके बीच में लिखना है? यहाँ पे लिख लीजिए पैरामीटर्स, कौन कौन से बेसिस पे डिफरेंस है, और यहाँ पे लिखना है क्वांटिटेटिव, और दूसरी साइड लिखना है क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव, ठीक है जी. नंबर वन, अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर बताइए क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? कैसी है? न्यूमेरिकल है, नरेटिव है, कैसी है? इट इज द क्वांटिटेटिव. नहीं बच्चे ये, हाँ क्वांटिटेटिव बताइए. क्वांटिटेटिव कैसी है? न्यूमेरिकल फॉर्म है, न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है. और ये कैसी है? नरेटिव और दी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नरेटिव और दी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है. नेक्स्ट वन देखिए, वी टॉक अबाउट द एम. एम क्या है? अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो वहां पे मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई होगी, एक स्टेटमेंट बनाई होगी जिसको मुझे क्या करना है? टेस्ट करना है. तो यहां पे इसका एम होता है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. लेकिन मैंने आपसे कहा है क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करना होता है, किसको टेस्ट करना होता है? फिनोमिना को, क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग है. तो यहाँ पे ये किस पे बेस्ड है? फिनोमिना बेस्ड है, फिनोमिना, ठीक है. यहाँ पे फिनोमिना नहीं, फिनोमिनन लिखना है, फिनोमिनन लिखना है, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर है. फिनोमिनन बेस्ड है, जो कि चीज है नेचुरली होती है, जैसे अर्थक्वेक इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है जी. अगर अर्थक्वेक की स्टडी करनी है तो क्वालिटेटिव करेंगे या क्वांटिटेटिव करेंगे? क्वालिटेटिव करेंगे, ठीक है जी. नेक्स्ट वन वी हैव द रिसर्च प्रॉब्लम कैसी रहती है. रिसर्च प्रॉब्लम, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है और रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है जी. अब मैं आपसे पूछती हूँ, इंडक्टिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम रहती है या डिडक्टिव टाइप ऑफ रहती है क्वांटिटेटिव में? बताएं व्हाट इज इंडक्टिव एंड व्हाट इज डिडक्टिव. डिडक्टिव टाइप रहती है. कैसी रहती है? डिडक्टिव. अभी बताऊंगी ये डिडक्टिव क्या है. डिडक्टिव रीजनिंग यू कैन से, ठीक है. और यहाँ कैसी है? इंडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है. डिडक्टिव का मतलब है आपके पास ये एक प्रॉब्लम है, आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं. क्या कर देते हैं? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर हर एक पार्ट की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. तो ये कैसी हुई? जर्नल टू स्पेसिफिक हुई, जर्नल टू स्पेसिफिक हुई ना. जर्नल मतलब ऑल ओवर, और उसके बाद क्या है? छोटी छोटी है. तो ये क्या हुई? ये इसका स्पेसिफिक बन गया, इसका इसका इसका, फिर हर एक को अलग अलग तरीके से आपने क्या करना है? स्टडी करना है. तो इसे हम क्या कहेंगे? जर्नल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जर्नल? जर्नल टू स्पेसिफिक. पहले एक बड़ी चीज थी, अब उसे छोटे छोटे में डिवाइड करके हर एक एक को हम देख रहे हैं. तो हमेशा याद रखना, इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, जहां पे हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक. और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में 2 से 3 बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है कि डिडक्टिव रीजनिंग किसमें होती है. तो इट इज इन क्वांटिटेटिव में होती है, क्योंकि उसमें आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करते हैं? स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज, अब ये है इंडक्टिव. इंडक्टिव में क्या होता है? सारी मदर्स अपना अपना क्या देती है? ओपिनियन देंगी, अपना अपना देंगी, और फिर तुम क्या करोगे? एक प्रॉब्लम पे पहुंचोगे. तो ये इसका उल्टा चल रहा है, इसका उल्टा चल रहा है. तो ये कैसे चली? स्पेसिफिक टू जनरल चली. दिस इज स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल. सबने अपने अपने ओपिनियंस दिए, तुमने सबको देखा, और एक तुम किस पे पहुंच गए? निष्कर्ष पे पहुंच गए कि ये मैं इसको अपनी प्रॉब्लम क्या करूंगी? कंसीडर करूंगी. इसलिए ये क्या है? स्पेसिफिक टू जनरल है. तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और पेपर में आएगा तो आप इसे सही कर आएंगे, ठीक है बच्चे. क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर है? यस मैम. ओके, नेक्स्ट इज सैंपल साइज.
सैंपल साइज। अब आपको क्या लगता है सैंपल साइज ज्यादा कहाँ मिलेगा? क्वांटिटेटिव में ज्यादा मिलेगा। क्वांटिटेटिव देखो नाम से ही बता रही है, नंबर्स, नंबर्स ज्यादा मिलेंगे तो लार्ज सैंपल होगा। कैसा होगा? लार्ज सैंपल होगा, ठीक है। और आपको पता है जितना ज्यादा सैंपल उतना डाटा कलेक्शन में इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? इजी होगा क्योंकि आपके पास ज्यादा सैंपल है तो इजी टू कलेक्ट, इजी टू कलेक्ट। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, इस वाली तरफ क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो फिनोमिना होता है वो सबके साथ नहीं होता। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल सभी को आता है? दुनिया में सभी को आता है? कुछ एज की लड़कियों को आता है, बूढ़ों को नहीं आता है, लड़कों को नहीं आता है। तो आपको और मेंस्ट्रुअल साइकिल में दर्द होने वाली भी कम को फील होती है, सबको फील नहीं होती। इसलिए यहाँ पे जो चीजें नेचुरल होती हैं वो कम मिलती हैं, वो कम मिलती हैं। तो अब बताइए मुझे, कम मिलेंगी तो यहाँ पे लार्ज सैंपल साइज होगा या स्मॉल सैंपल साइज होगा? स्मॉल सैंपल साइज होगा, स्मॉल सैंपल साइज होगा। अगर स्मॉल सैंपल साइज होगा तो डाटा कैसा होगा? टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आपको हर एक के पास जाना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको पूरा गांव मिल जाएगा, हो सकता है एक गांव में थोड़े से लोग मिले, फिर आपको कहीं और जाना पड़े, फिर आपको कहीं और जाना पड़े। वहां तो लार्ज सैंपल था, लार्ज में से लार्ज स्केल था, इसीलिए आपको डाटा भी बहुत ज्यादा मिल रहा था। अब यहाँ पे जो फिनोमिना होते हैं ये नेचुरल होते हैं, यहाँ पे स्मॉल ग्रुप के ऊपर ही इफेक्ट डालता है, इसलिए आपको डाटा भी कैसा मिलता है? स्मॉल मिलता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है डाटा। किस केस में? क्वालिटेटिव के केस में, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज टूल्स। हम कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? द काइंड ऑफ टूल्स यूज्ड हियर, ठीक है जी। कौन कौन सा? अगर मुझे क्वांटिटेटिव करना है तो मैं क्वेश्चनेयर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। किसका इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्वेश्चनेयर्स का, ठीक है जी। और इस केस में मैं इसका इस्तेमाल करूंगी इंटरव्यू, जहां पे वो मुझे क्या करेंगे, अपने व्यूज को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इंटरव्यू लेते हैं तो अपने व्यूज को शेयर करते हैं ना। क्वेश्चनेयर्स में तो जो तुमने क्वेश्चन लिखा होगा वो सिर्फ उसी का आंसर दे पाएंगे, येस या फिर नो में। लेकिन जब मैं इंटरव्यू लूंगी तो वो कैसे होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। लेकिन नेचुरल फिनोमेना में ज्यादा से ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस का क्या करूंगी, ताकि वो मुझे ज्यादा खुल के बता सके अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वन टू वन इंटरेक्शन हो सकती है, वन टू वन इंटरेक्शन। और व्हाट इज वन टू वन इंटरेक्शन? मैं हूं और मैंने किसी एक लेडी को बुलाया है और मैं उन्हीं से क्या करूंगी, बातचीत करूंगी। या फिर मैं ग्रुप इंटरेक्शन भी कर सकती हूँ, आई कैन डू द ग्रुप इंटरेक्शन, जहां पे बहुत सी लेडीज जो है वो क्या कर सकती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ क्या कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। और एक और चीज, आई कैन ऑब्जर्व, आई कैन ऑब्जर्व, दैट इज ऑब्जर्वेशन, दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो इसी स्लाइड में से आपको दो तीन क्वेश्चंस मिलते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज स्केल वाली कौन सी है और स्मॉल स्केल वाली कौन सी है, नरेटिव कौन सी है और न्यूमेरिकल कौन सी है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। जर्नल और स्पेसिफिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी वाली जर्नल टू स्पेसिफिक है और कौन सी वाली स्पेसिफिक टू जर्नल है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आज का लेक्चर सबको क्लियर है, जितना करवाया है बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस यस मैम, मैम, एम में यस क्या मैम, क्या बताया आपने? जी। एम 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 हाँ में जी मैंने करवाया बच्चे, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी होगी आपको, उसी को ही टेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है पर्टिकुलरली, यहाँ पे एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना होता है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है। यहाँ आपको एक हाइपोथेसिस अपने साइड से स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होती है। इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम ओके, सो थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो।